सीहोर जिले की बुधनी तहसील के ग्राम जोनतला में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी और हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। इस मौके पर किसानों ने बताया कि हमारे मुंह से निवाला छीन लिया गया है। ये आते हैं, मेरे को ऐसा सुनाई में आया, मैं तो कम पढ़ा लिखा किसान हूँ और इसके कारण इनकी कहां के लिए मैं मीटिंग लगी थी, इन लोगों ने किस पे दबाव दिया, क्या है और ये कौन सी कंपनी आई है वो किसानों के इतने 250-300 रेट ज्यादा दे रही है। मिट्टी का व्यापारी है, दमंग है, एकजुट का बन के और ऊपर तक इनके हाथ है। हम ये चाहते हैं कंपनी देवे हमको, तो किसान को एक रुपए भी बहुत जारी होता, इससे बड़ी कंपनी भी आए और इसकी व्यवस्था सरकार करे और जो भी है प्रशासन करे। दरअसल एक साल पहले लैंडमार्क एग्री प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी शागन से लेकर बाड़ी तक के क्षेत्र में किसानों का धान करीब मार्केट रेट से 250 से 350 ज्यादा में खरीदती है। उसके बदले किसानों से अपने तय मानकों का फसल की उपज ले रही थी। इससे किसान अपनी उपज बाजार मूल से 250 से 350 रुपए अधिक में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन मंडीदीप की दावत फूड्स लिमिटेड कंपनी के अड़ेतियों ने अपना और अपनी कंपनी का वर्चस्व जमाने के लिए किसानों के अतिरिक्त आय पर ब्रेक लगा दिया, जिससे शागन से बाड़ी तक दावत फूड्स के लगभग 25 प्रतिनिधियों ने कूट रचना कर लैंडमार्क कंपनी के अधिकारियों को उलझा दिया और उन्हें क्षेत्र से जाने के लिए मजबूर कर दिया। कंपनी का नाम लैंडमार्क एग्री एक्सपोर्ट है। हम यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और अभी कुछ समय में अभी ये समस्या आ रही है कि हमें कुछ यहाँ पर पेस्टिसाइड एसोसिएशन है और वहाँ पे ये है कि हमें लिमिटेड पेस्टिसाइड जो हम रिकमेंड कर रहे थे वो उसमें भी और रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है कि नहीं सारे आप सारी पेस्टिसाइड रिकमेंड करें, तो वो हम करने के लिए तैयार है पर फील्ड में जाने के लिए भी हमें थोड़ा सा रोक रहे हैं, तो वो फील्ड में जाने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं उस एसोसिएशन से, पेस्टिसाइड एसोसिएशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करें कि हमें फील्ड में जाने दें, तो इससे ये होगा कि किसानों को सही जानकारी मिलेगी, सही जानकारी के हिसाब से यहाँ का क्वालिटी अच्छी बनेगी और हम तो बहुत छोटी कंपनी है, यहाँ पे दावत जैसी बड़ी कंपनी है जो पिछले 10 साल से काम कर रही है, इस एरिया को पूरा बदल दिया है, ऐसी बड़ी कंपनियाँ और आए और इस एरिया का डेवलपमेंट हो, यही हम भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए और इन लोगों के लिए काम करें। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।